हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज मैं फटाफट से दिखाने वाली हूँ कि मेरा गो टू लुक कैसा होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट से आप लोग अभी के अभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिफोर स्टार्टिंग माई मेकअप आई ऑलवेज अप्लाई विटामिन सी सीरम। Nowadays I am using Glow Pink Super Glow Face Serum। सोने से पहले एंड सुबह मैं ट्राई करती हूँ विटामिन सी सीरम एक बारी फेस पे लगा लूँ एंड इसको स्किन में एब्जॉर्ब होने दूँ। जब तक ये स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए आप अपनी स्किन पे कुछ और ना लगाएं। यूजली जब मुझे बाहर जाना होता है या मैं रोज़ जब ऑफिस जा रही होती हूँ तो मैं अपने फेस पे सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ, बट अभी मैं बाहर नहीं जाने वाली हूँ इसलिए मैं वो स्टेप स्किप कर रही हूँ एंड डायरेक्टली मूविंग टूवर्ड्स दिस मैकअप प्रेप प्लस प्राइम। ये मुझे सैम्पल साइज़ का ट्यूब फ्री मिला, थोड़ा सा बिल्कुल आपने वन पी साइज का लिया एंड उसके बाद आपको अप्लाई करना है ऑल ओवर योर फेस फॉर मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। मैं डेली ये नहीं लगाती हूँ, मैं कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ इसके अलावा या कोई फेस क्रीम भी लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली स्किन कितनी ज़्यादा हाइड्रेटिंग लग रही है अपना विटामिन सी सीरम एंड मॉइस्चराइजर लगाने के बाद। उसके बाद बिकॉज गो टू लुक है तो मैं बहुत सारी लेयर्स नहीं लगाऊंगी, आई विल डायरेक्टली मूव टू माय कॉम्पैक्ट एंड टुडे आई एम गोना यूज मैक का कॉम्पैक्ट स्टूडियो फिक्स एंड दैट ऑल्सो बहुत थोड़ा थोड़ा हम लगाएंगे। कॉम्पैक्ट थोड़ा सा लिया एंड उसको टैप टैप टैप। उसके बाद आई एम गोना कंटूर माय चीक्स लिटिल बिट, नॉट टू मच। फॉर दैट आई एम गोना यूज वेट एंड वाइल्ड कंटूरिंग किट एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इट इज द बेस्ट कंटूरिंग किट एंड pocket friendly also. I'm just gonna take little bit of it because daily go to makeup hai to main bahut zyada contour bhi nahi lagane wali. Uske baad main lagane wali hu urban color ka blush. Gonna use this kit from Wet n Wild and इस kit का जो भी हमारा transition shades है, जो भी मेरा go to look होता है उसमें I don't use so many colors, I try using transition shades. So I'm gonna take this shade, थोड़ा सा extra dust कर दिया उसके बाद मैं अपना काजल लेने वाली हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ मेबेलिन न्यूयॉर्क ग्लॉसल काजल, उससे मैं एक्चुअली काजल और आईलाइनर दोनों ही लगा लूँगी। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, आई एम गोना यूज़ द सेम वेट एंड वाइल्ड किट एंड इसमें से अब मैं ब्राउन शेड लेके अपने लाइनर को थोड़ा सा स्मच कर दूंगी जिससे कि एकदम क्लियर लाइंस ना दिखें। सो नेक्स्ट आई एम गोना गिव अ लिटिल बिट शेप टू माय आईब्रोज। I have fine eyebrows, तो मैं बहुत ज़्यादा fill नहीं करने वाली हूँ। For that, I'm going to use Maybelline New York
डार्क एंड ब्लेंड ब्रो पेंसिल, दिस इज इन नेचुरल ब्राउन शेड. So in my go-to look, I don't use eyelash curler and all. I just directly apply my mascara. Today I'm going to use again Maybelline Hyper Curl Mascara. So in the end, I'm gonna use my lipstick. Today I'm going to use K Beauty lipstick. इसी के साथ मैं थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती हूँ. मैं हमेशा क्या करती हूँ, एक हैक है, मैं लिक्विड सिंदूर लगाती हूँ, बट मुझे अगेन ऐसे डिफाइन लगा हुआ सिंदूर पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा सिंदूर लगाती हूँ यहाँ एंड इसको भी मैं हाथ से स्मच कर लेती हूँ लाइक दिस. सो आई लाइक माई सिंदूर लाइक दिस. छोटी सी बिंदी एंड वी आर डन फॉर द डे. I'm gonna pair these earrings with my this chicken kurti, black chicken kurti. मेरी बाकी jewelry collection आप मेरी jewelry haul वाली video में जाकर देख सकते हैं. Ta-da! So yes, we are done. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा. और हाँ, अगर आप ट्राई करें ये लुक तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये लुक क्रिएट करना इजी था या नहीं. बाय बाय.